बारिश के शुभ अवसर पर मैं ये वीडियो एक शायरी के साथ शुरू करना चाहूँगा। अरे पहले बोलने तो दो। क्या मौसम आया है, हर तरफ पानी पानी फैलाया है, बारिश हुई नहीं और मेंढक बाहर आया है। आई ओनली क्राई इन द रेन सो पीपल डोंट नोटिस माई टीयर। यही मेंटालिटी के लोग है जो स्विमिंग पूल को शौचालय बना लेते हैं, ये सोचिए कि कोई नोटिस नहीं करेगा। इसीलिए कल पूल में छी, ये तूफानी बारिश और गीली मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर पे पसर के बारिश की स्नैपचैट स्टोरी डालोगे तो सब प्यारा ही लगेगा। कभी बाहर निकलो, नहा धो के काम पे निकलो और जब ट्रक सारा कीचड़ उड़ा के चले जाना तब सूंघ लेना अपने बदन से गीली मिट्टी की खुशबू। कपड़े खराब, तबीयत खराब और मूड भी खराब, और यहाँ स्टोरी में डाला जा रहा है। I love monsoon. Gorgeous, gorgeous. आधे लोगों का बारिश से मतलब सिर्फ स्टोरी डालने तक रहता है। उन्हें लगता है अगर वो स्टोरी नहीं डालेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मौसम कैसा है। थैंक्स भाई बताने के लिए कि पानी कैसे बरसता है। इंस्टाग्राम को मौसम ग्राम बनने में ना एक सेकंड नहीं लगता। एक बार पिक्स तो देख लूं कैसे आई है। क्या यार, एक भी अपलोड करने के लायक नहीं है। छी यार, तू क्या इतना टेंशन ले रही है, फोन दे अपना। तुझे B612 पे इंस्टा मॉडल बनाता हूँ। स्लिमिंग, चिन, नोज, फर्क देख रही है? अब पूरा इंस्टा मॉडल लगने के लिए फिल्टर। हाँ ये सही है, ये ले एक कर दिया मैंने, अब बाकी खुद कर ले। अब बस हैशटैग नो फिल्टर डाल। क्या ये कपड़े सूखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। छाता मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। बादल कर दे घायल। अब मॉनसून के स्टोरी अपडेट्स तो हो गए, अब विंटर कब आएगा बे? एक होता है एक्सपर्ट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके बनाई गई वेदर रिपोर्ट, और एक होता है दोस्त का आसमान की तरफ देख के कॉन्फिडेंस से दिया हुआ घटिया अनुमान। दोनों को मानना ना बेवकूफी है। अबे वो देख बादल, पक्का बारिश आएगी, देख लेना। यार तू रोज यही बोलते है। यार इसका छोड़, मैं अपना तैयार होती हूँ। इट्स बारिश टाइम। यस बारिश। पर ये रुक क्यों गई? आज हो गई तेरी बारिश। अब बारिश से बचने के लिए हम एक ऐसी चीज यूज करते हैं जो सालों से चली आ रही है, फिर भी इसमें इतना सा इम्प्रूवमेंट नहीं, कतई यूजलेस। हमारे छाते। पता है छाते साल में सिर्फ उस एक मिनट के लिए बने जब बारिश बिना हवा के होगी। थोड़ी सी हवा या छोड़ो किसी ने फूंक भी मार दी ना, आप भीग जाओगे और छाता उल्टा होके आपको उड़ा ले जाएगा। कई बार तो लगता है छाता बारिश नहीं, शावर के नीचे इस्तेमाल करने के लिए बना है। कुछ लोगों को इसमें भी डिजाइन चाहिए, क्योंकि फैशन कैसे छोड़ दे, कुछ भी कर लो, भीगना तो हम सबने है। इस छाते से ज्यादा काम का तो ये पत्ता है। अमीरों के लिए लैपटॉप और मम्मियों के लिए उनके बच्चे भी छाता बन जाते हैं। यार अब तो कोई भी छाता बन सकता है। छाते इतने यूजलेस है ना कि अब ट्यूटोरियल्स बनाने पड़ रहे हैं हाउ टू यूज एन अम्ब्रेला। देखो हो सकता है कि बारिश ऊपर से नीचे गिरे, तो ऐसे केस में आपने ना छाता ऊपर पकड़ना है। हाउ टू पिक अप एन अम्ब्रेला। ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोगों ने तो अभी छाता उठाना सीखा है, उसे ढंग से यूज करना तो बहुत ही दूर की बात, जो वैसे भी आज तक कोई समझ नहीं पाया, स्पेशली गौतमी जैसे लोग। अब एक बार खबर आई कि छातों में एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन आने वाला है, मैं सुन के खुश हो गया। फिर पता चला कि महान लोगों ने छाते में ब्लूटूथ ऐड किया है। इंट्रोड्यूसिंग द हेज अम्ब्रेला With embedded Bluetooth technology. भाई पहले बरसात से बचने का फीचर आ जाए, फिर ब्लूटूथ, वाईफाई, हेडफोन जैक सब यूज करें। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ओहो, ब्लूटूथ छाते से लड़की ही पटा ली। एक तो 4 बार जब तक भीगना जाओ ना तब तक छाता ले जाना याद ही नहीं रहता, और जिस दिन लेके जाओ उस दिन बारिश का नामो निशान ही नहीं है। आपने जिंदगी में बहुत से वाहियात ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, तो ये लीजिए हमारे तरफ से एक और, बारिश को वश में कैसे करें। क्या आपको बाहर कड़कती धूप नजर आ रही है? आपको क्या करना है, आपको बस छाता घर पे छोड़ देना है 30 सेकंड में। आज छाता नहीं छोड़ूंगा, छाता लाना भूल गया यार। पर फिर से मौसम अच्छा ही लग रहा है, छोड़ आज नहीं होगी बारिश। मैं रेनकोट खरीदने
पता नहीं क्यों ऑनलाइन गई थी और वहाँ भाई का स्वैग तो देखो, रेनकोट पहन के सपनों की राजकुमारी ढूंढ रहे हैं। वो ऐसी बरसाती एटीट्यूड देख के लड़की ना कैसे बोले। असल जिंदगी में तो भाई रेनकोट पहनते ही कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो जाता है। कुछ ऑब्वियस सी चीजें होती है जिनको प्रेडिक्ट करने का आपको घंटा कुछ मिलेगा। जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, हार्पिक के साथ हुसैन आएगा और इंडिया में बारिश होगी तो पानी भरेगा। अब तो हैरानी भी नहीं होती, घर के सामने कोई नाव चला रहे, मछलियाँ पकड़ रहे, सब नॉर्मल है। नालों की तरफ देखा कि भाई तुम ही पानी अंदर ले लो, पर यहाँ तो नालों से भी पानी बाहर आ रहा होता है, मतलब वाह। एक तो ये बॉलीवुड ने बारिश को रोमांटिक सी फील देके लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रखी है। रेन डांस जो मुश्किल से चार लोग साल में दो मिनट के लिए करते हैं। स्कूल गर्ल्स डांस मूव इन रेन सो से है तुरंत कबड्डी क्लब। अरे सर कबड्डी सिखाइए, ये कौन सी शिक्षा है, कबड्डी तो नहीं लग रहा है। असली रेन डांस तो लौंडे वाटर पार्क में चड्डी बनियान में करते हैं, जैसे यहाँ इनको आधा टाइम ये कंफर्म करने में लग गया कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। ए भाई तेको दिखता नहीं है क्या? बेचारे भाई को कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। फिर जब पता चला कि वीडियो यूट्यूब पे जाने वाली है, That is it for today, guys. अगर आपको भी मस्त वाली सेल्फियां लेनी है ना, जैसे कि ये वाली फोटोज, अब तो मेकअप वेकअप भी इसी पे लग जाता है, तो B612 ऐप डाउनलोड करो एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। आज भी सब बारिश की स्टोरी डाल रहे हैं यार, मेरे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही, कुछ करती हूँ।